नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। सनी लियोन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस। टीवी शो बिग बॉस सीजन 5 के प्रतिभागी और मॉडल पूजा मिश्रा ने फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन पर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। जब ये मामला अदालत के समक्ष लाया गया तो याचिकाकर्ता वहां मौजूद नहीं थी। पूजा ने अपनी याचिका में दलील दी है कि वो टीवी शो बिग बॉस सीजन 5 की एक लोकप्रिय प्रतिभागी थी और सनी उस शो में काफी बाद में शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सनी ने मीडिया के एक हिस्से को मान हानिकारक साक्षात्कार दिए और ऐसा उनके प्रति दुर्भावना तथा ईर्ष्या से किया गया था। पनामा मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन। सरकार ने दुनिया की बड़ी लॉ फर्म्स में से एक पनामा की मोजाक फोंसेका के लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों में 500 भारतीयों के नाम सामने आने के बाद इस मामले की जांच के लिए एक विशेष मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया है। वित्त मंत्रालय के सोमवार को जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए विशेष मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया गया है। इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च विभाग की जांच इकाइयों के अधिकारी और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि इस सूची में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ के मालिक केपी सिंह, अपोलो टायर्स और इंडिया बुल के प्रवर्तक गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। असम में भाजपा कार्यालय के पास धमाका, 2 की मौत। असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शांतिपूर्वक खत्म होने के 1 घंटे बाद ही ग्वालपाड़ा में भाजपा के चुनावी कार्यालय के पास हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। ग्वालपाड़ा में 11 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। जिला पुलिस अधीक्षक नितुल गोगोई ने बताया कि संदिग्ध उल्फा आई के उग्रवादियों द्वारा किए गए इस विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों समेत 21 अन्य घायल हो गए हैं। गोगोई ने बताया कि ऐसा संदेह किया जा रहा है कि बम भाजपा चुनाव कार्यालय के समीप एक बैग में रखा गया था। विस्फोट शाम 7:30 बजे के करीब हुआ।